बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी नशे की लत में है या जिन्होंने नशा करना शुरू किया है अभी, वो शायद इस फेस को शुरू शुरू में एंजॉय करते हैं क्योंकि उनको उसका रिजल्ट नहीं पता है। तो क्या कहना चाहेंगे संजू भाजी आप उन लड़कों को, नौजवानों को? कि मैं हमेशा ड्रग्स के खिलाफ रहा हूं और मैं ये दौर से गुजर चुका हूं जी। तो बी हाई ऑन लाइफ, बी हाई ऑन वर्क। नशा काम में होना चाहिए, अपने माँ बाप से होना चाहिए, अपने परिवार से होना। आखिर भाई मेरा नाम शिवा था। कुछ साल पहले मैं इतना तो नॉलेज रखता था कि मतलब एक शांति नहीं मिलता था एक भगवान को मानने में, पूजा करने में। हमारे तमिलनाडु में बोलते बालाजी अमीर भगवान है और कार्तिक गरीब भगवान है, तो इससे मैं सहमत नहीं था। मैं बोलता था जब हम इंसानों में हो सकता है, भगवानों में नहीं हो सकता। फिर भी मेरा दिल नहीं माना। जब मैं भागा भागा फिरता था, फिर अचानक मेरे को ना क्रिश्चियन दोस्त लोग मिले, फिर उन लोगों के साथ मैं प्रेयर करने के लिए जाता था। फिर प्रेयर में जाता था, प्रेयर करता था, बहुत आनंद लगा, अच्छा लगा। फिर बाइबल में खुद पढ़ने लगा, उसमें भी बहुत जगह में बयान नहीं होता कि दिल नहीं मानता है। ईसा अलैहि सलाम बोलते मानता है नहीं कि वो खुदा है। फिर मैं साथ ही साथ ही हमारे मोहल्ले में मुसलमान दोस्त लोग भी है, फिर उन लोग एक आयत पढ़ के मेरे को तर्जुमा बताया, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। तो इसमें मैं बहुत सहमत हुआ क्योंकि ना शरीर है, ना माँ बाप है, ना रूप है। बहुत अच्छा लगा मेरे को, ठंडा लगा। ये हुआ 2003 के पहले। फिर मैं 2004 में डायरेक्ट फौरन कलमा पढ़ा के इस्लाम कबूल किया, मुसलमान हुआ। अब यह है, मैं मुसलमान होने के बाद मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, जानकारी नहीं था। मेरा सवाल यही है, इतना नॉलेज नहीं था, फिर भी मैं ड्रिंक करता था। फिर बहुत लोग मुझे समझाए ये गलत है, अपने तू आया नहीं मजहब में, ऐसा नहीं चलेगा। फिर मैंने आखिर अल्लाह करम से छोड़ भी दिया। मेरे सवाल यह है, कुरान में नशे की बयान आता है, मेरे दिल कहता है कि नशा तो सब नशा होता है, सिगरेट हो, गंजा हो, चिलिम हो, कुछ भी चीज हो, नशा तो नशा होता है। मेरे मोहल्ले में जो मुझे मना करते वही हाफिज मौलाना लोग दम मारते, ये नशा है क्या नहीं है, सही है क्या गलत है। मैं सबका सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू मतलब में शांति नहीं थी, तो बाद में ईसाइत कबूल की, पहले अच्छा लगा, बाइबल पढ़ी तो पता लगा काफ़ी गड़बड़ है, छोड़ दिया। फिर मुसलमान दोस्त ने कहा, एक सूरत पढ़ी सूरह इखलास, और इतना खुश हुए कि इसने इस्लाम कबूल किया 3-4 साल पहले, अल्लाह इनको जदाए खैर दे। और कुछ बुरी आदत थी जो फिर भी करता था, दोस्तों ने कहा तो बुरी आदत छोड़ दी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वो पूछना चाहता एक सवाल कि कुरान मजीद में लिखा है कि नशा हराम है, तो नशे के साथ साथ पीना, चरस, गांजा ये भी हराम है क्या? कुरान मजीद में लिखा है सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या लजीन आमनू इन्नमल खमरु वल मैसुरु वल अनजाबु वल अस्लामु रिश्तु मिन शैतान फश्तनिबु लकुम तुफ्लिहून, के कहो ईमान वालों से, इन्नमल खमरु वल मैसुरु, के मोस्ट सर्टनली कहो ईमान वाले से के नशा, नशे वाली चीज, खमर, आइडल वर्शिप, बुत परस्ती, फॉर्चून टेलिंग, ये सारी चीजें हराम है। रिश्तु मिन शैतान, ये शैतान की चीजें हैं, फर्स्ट नहीं बोलो तुम तफलून, इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। तो कुरान मजीद में लिखा है कि नशे वाली चीज इन्नमल खमरु वल मैसुरु, गैम्बलिंग, जुआ खेलना, फॉर्चून टेलिंग, और अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना, बुत परस्ती, ये चारों चीज हराम है। आपका सवाल था कि नशा सिर्फ शराब में है क्या, पीना, चरस, गांजा में भी? जहां तक के नशे की चीज है, कोई भी नशे की चीज, चाहे विस्की हो या बियर हो, चाहे रम हो या ब्रांडी हो, या चाहे चरस हो या गांजा हो, चाहे वो पिया गया हो लिक्विड वाइज या फूका गया हो, अगर उससे नशा आता है तो ये हराम है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने माजा में वॉल्यूम नंबर 3 चैप्टर नंबर 30, वो फरमाते कि एनीथिंग इंटॉक्सिकेट्स इन लार्ज क्वांटिटी इज प्रोहिबिटेड इन स्मॉल क्वांटिटी, अगर कुछ चीज आपको नशा देती है बड़ी क्वांटिटी में, वो छोटी क्वांटिटी में भी हराम है। तो चरस, गांजा सब हराम है। आपका सवाल था कि पीना,
पीने के मुराद चरस पीना हराम नशा है, सिगरेट पीने का जवाब जरा डिफरेंट रहेंगे। सिगरेट पीने का जवाब अलग है, जहां तक कि चरस गांजा फूकना या नशा ब्रांडी ये आता है खमर के अंदर हराम में। जहां तक सिगरेट पीने का सवाल है, पहले उलमा ये कहते थे कि ये मकरूह है, क्योंकि हदीस है अल्लाह के रसूल की कि जब आप नमाज पढ़ने जाते हैं तो जब कांदा प्याज खाते हैं तो सांस में बदबू आती है, इसी तरीके से सिगरेट पीने से बदबू आती है तो मकरूह है। लेकिन अभी साइंस एडवांस होने के बाद पता लगता है कि सिगरेट पीने से इट इज स्लो पॉइजनिंग, और कुरान में कहा गया सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 195 में कि डोंट मेक योर ओन हैंड्स द कॉज ऑफ योर ओन डिस्ट्रक्शन, आप अपने हाथ से अपनी कब्र मत खोदो, मीन डोंट कमिट सुसाइड, अपने हाथ से अपनी कब्र मत खोदो, ये मोहरा है। डोंट मेक योर ओन हैंड द कॉज ऑफ योर डिस्ट्रक्शन, अपने हाथ से अपनी तबाही खुद मत करो। तो इससे पता चलता है कि सुसाइड आत्महत्या करना हराम है। आज साइंस बढ़ने के बाद तरक्की करने का पता चला कि आफ्टर अल्कोहल द सेकेंड मोस्ट डैमेजिंग टू हेल्थ इट इज सिगरेट स्मोकिंग, इट इज स्मोकिंग। माय नेम इज गायत्री एंड आई एम अ स्टूडेंट। मेरा सवाल ये है कि मेरी सहेली ने कहा था मुझे जो कुरान में दिया है वो सब सही है और मैं ये मानती हूँ और सारे मज़हब को मानती हूँ मैं, लेकिन मेरा सवाल ये है मेरी सहेली ने कहा था जो हम लोग हिंदू में भगवान को पूजा करते हैं, जो हम लोग मूर्ति को पूजा करते हैं जो पत्थर का बना हुआ रहता है, लेकिन मेरी सहेली कहती है वो पत्थर है जो तुम्हें कुछ नहीं देगा, भले तुम कितना भी मांगो वो तुम्हें कुछ नहीं देगा, इसलिए तुम है ना हमारे जो कुरान शरीफ है तुम पढ़ो उससे और तुम्हें अच्छा लगेगा। और मैंने कहा कि बचपन से हमारे पेरेंट्स ने जो सिखाया, जो उन्होंने सिखाया भगवान है, हर एक मज़हब में हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं कि जो भी मज़हब है उनके बारे में जानकारी देते हैं, भले हमारे गुरु भी देते हैं। हिंदू है बुतपरस्ती करती है, उसकी मुस्लिम सहेली ने कहा कि बुतपरस्ती मत करो गलत है, एक भगवान में मानो एक खुदा में मानो, लेकिन ये बहन कह रही है कि मैं मेरी वालदा की बात मानूँ, वालदेन की बात मानूँ या गुरु की बात मानूँ, क्या सहेली की बात मानूँ। बहन सबसे बड़ा गुरु है ईश्वर, सबसे बड़ा गुरु है अल्लाह, आप ना सहेली की बात मानो ना वालदेन की बात मानो, ईश्वर की बात मानो, ईश्वर क्या कहता है भगवान क्या कहता है। और इसके लिए जो कुरान क्या कहता है अगर उस चीज़ को आपको नहीं मानना है तो इंशाल्लाह अगले शनिचर आओ, मेरी तकरीर है खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में, और ये तकरीर में मैं साबित करूँगा आपके किताब से, हिंदू मजहबी किताब से, कि हिंदू मजहबी किताब में भी लिखा है कि खुदा एक है, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं है और बुत परस्ती हराम है। इंशाल्लाह अगले शनिचर आइए 22 तारीख को, इंशाल्लाह इंशाल्लाह तकरीर के बाद आप फिर से सवाल नहीं दोहराएंगी। आपके किताब के हिसाब से आपको एक खुदा को मानना है, एक ईश्वर को मानना है और सिर्फ उसकी इबादत करना है और बुत परस्ती हराम है।